सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं बहुत कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट हैं इस वक्त, काफ़ी लड़ाई झगड़े करते हैं वो, काफ़ी अब्यूसिव हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, वॉयलेंट बिहेवियर है उनका काफ़ी, और काफ़ी इसलिए उनकी आलोचना भी होती है। लेकिन हमने आपको देखा कि आपने आरती को जाके कहा कि अगर कोई फीलिंग है उसके मन में सिद्धार्थ के लिए तो उसे बोल देनी चाहिए। आप क्यों मैच मेकिंग कराना चाहते हैं आरती की, जबकि छवि जो सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत अच्छी नहीं है? कि आपको आपको क्या लगता है क्या खासियत है सिद्धार्थ में? उसकी छवि क्यों अच्छी नहीं? क्योंकि वो आरती को प्रोटेक्ट करता है, वो जो उसके अगेंस्ट होता है उसके लिए लड़ता है। आई थिंक इट्स ही इज एन इंडिपेंडेंट मैन, वो सही के लिए लड़ता है। कभी कभी उसको पोक किया जाता है, जो आपने भी देखा। तो अगर कोई किसी को पोक करता है तो वो लड़ेगा नहीं अपने लिए, अगर लड़ेगा नहीं तो वीक दिखेगा। एंड सिद्धार्थ इज नॉट अ वीक पर्सन। आई डोंट थिंक हिज फाइट्स हैव बीन अननेसेसरी। उसको हमेशा पोक किया गया है, आपने देखा है असीम ने बहुत बार उसको पोक किया, तो वो लड़ा है, उसमें वो गलत कहाँ बना? काफी अब्यूसिव और वायलेंट भी हो जाते, तो ये बिहेवियर सही है? आई एम श्योर कि हम सब अपने लाइफ में ऐसे अब्यूसिव और वायलेंट बन चुके हैं। कोई यहाँ हरिश्चंद्र का बेटा नहीं है, ना कोई यहाँ पे इतना काम बुद्धा बन के बैठा है, ना आप हो ना मैं हूँ। तो उसको एक घर में बंद करके रखा है, उन्हीं लोगों के साथ पाला पड़ना पड़ता है जो उसके अगेंस्ट है। तो हाँ, वो वैसा रिएक्ट करता है, लेकिन इंसान अच्छा है ना। इंसानियत देखो, उसने क्या बोला क्या बका है वो मत देखो। और प्लस जहाँ से मैं देखती हूँ, उसने आरती के लिए हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा उसको बचाया, हमेशा उसका केयर किया। कितने टास्क में उसने उसको बचाया नॉमिनेशन से, तो आई थिंक दोज आर वेरी गुड क्वालिटी। हम जानना चाहेंगे कि बाकी जो कंटेस्टेंट हैं सिद्धार्थ के अलावा, असीम, उनके बारे में क्या राय है, शहनाज के बारे में आपकी क्या राय है, पारस के बारे में आपकी क्या राय है? जो मैंने बाहर देखा है कि जो देख के आई हुआ था? अंदर जो देख के आई। वेल, असीम तो बिजी था हिमांशी के साथ, तो देर इज नो राय विद असीम। वो मुझे मिला ही नहीं, ना बैठा मेरे साथ, ना बात हुई। वैसे क्या राय है जब आप देखती हैं? बहुत पोक करता है, बहुत अनोइंग है बाहर से, अंदर तो वो मुझे मिला नहीं, अंदर मुझे पोक करते हुए दिखा नहीं, क्योंकि वो इतना हिमांशी को पोक कर रहा था कि बोल दे आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तो कि उसको टाइम ही नहीं मिला किसी और को पोक करने का। रश्मि कनिंग है, बहुत शातिर है, पीछे से खेलती है। टॉन्ट भी मारा था अंदर एक जाके, अंदर मारा था। पारस को बस खाने में दो डिश और दिन में 10 किस। दस किस? कोई नहीं मिला तो दीवार तो है ही उधर, लिप्स वाली। तो मायरा बहुत जेन्यून है वैसे, बहुत फन लविंग है, यंग है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसको, लेकिन ठीक है, बुरी नहीं है लड़की। आरती तो काउंसलर है अंदर, सबसे बात करती है। आरती एक ही कॉन्टेस्टेंट है जिसने किसी से बिगाड़ा नहीं, सबसे बिगाड़ा नहीं, किसी एक से भी नहीं बिगाड़ा, यू नो, उसने बहुत एक मेंटेन रखा है। शहनाज को मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसने आरती के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला है। प्लस अगर गेम में शहनाज के साथ होती तो मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो कभी भी गेम चेंज कर सकती है, बट मैं भी करती हूँ, तो यू नो, सो इट्स ओके। सिद्धार्थ इज़ वेरी लॉयल और अपफ्रंट एंड रियल, तो सिद्धार्थ के साथ मेरी बहुत अच्छी जमती। वन के सीजन में मैंने आपका थोड़ा सा रौद्र रूप देखा था, एग्रेशन देखा था, वही एग्रेशन एक बार फिर से इसमें देखने को मिला हमें। विकास आपका एक बार टारगेट बने इस बार, क्या आपको ऐसा लगा कि विकास को इस तरह से आपको सुनाना चाहिए था और उन्हें वो जगह बतानी चाहिए थी उनकी जो आपको लगता है जो एक्चुअली है ना? वेल, मैं वहाँ मेरी फैमिली के लिए गई थी, विकास अपने जो शो में हुए दोस्त के लिए गए थे, तो मेरा जाना ज़्यादा मतलब वाला था, क्योंकि मैं अपने लिए खेलने नहीं गई थी। विकास कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि वो अपने लिए खेल रहा है, यू नो, मेरा उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। मैं आरती को बचाने के लिए गई थी, मैं किसी और के लिए खेल नहीं रही थी, लेकिन एक ऐसा टास्क था जो टीम टास्क बन गया, जो एक्चुअली इंडिविजुअल था। प्लस विकास ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि 3 दिन से मैं क्वाइट थी, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, लफड़ा नहीं किया, मैं बर्तन मांज रही थी, यू नो, सबके साथ हंसी मजाक, मैं लोगों की बैंड बजा रही थी लेकिन हंसते हंसते बजा रही थी, तो कुछ ऐसा अग्रेसिवली नहीं था। लेकिन विकास एक चीज़ भूल गया था कि मैं बेमतलब का लोगों के साथ झगड़ती नहीं, और ये चीज़ क्लियर है, और हमेशा क्लियर रखो कि मेरे फैमिली को अटैक करोगे तो मुझे अटैक करोगे। और उसने आरती को बोला सीधा सीधा कि तुमको मैं बचा नहीं सकता। अरे तो होता कौन है बचाने वाला? मैं क्या वहाँ खाना खाने गई हूँ? तो मैं हूं ना उसको बचाने के लिए, मुझे सोचने का मौका दो, तुम कौन होते हो सोचने के लिए? यू नो, सो दैट रियली अपसेट मी। प्लस विकास ने ऐसा दिखाया, जस्ट बिकॉज मैंने उसको बोला इनिशियली कि ठीक है हम साथ में हैं, क्योंकि वो सिद्धार्थ ने बोला था और सिद्धार्थ और आरती साथ में खेलते हैं हमेशा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो इस वजह से उसने ऑलरेडी डिसाइड किया कि कश्मीरा इज वीक। कश्मीरा वीक नहीं है, आई वॉज गिविंग यू एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। और मैं माइंड से ज़्यादा खेलती हूँ, मैं फिजिकल खेलने में मतलब नहीं होता,
लेकिन जहाँ फिजिकल दिखाना था वहाँ फिजिकल भी बन गई, यू नो. तो हाँ, आप मास्टरमाइंड खुद अक्लेम्ड सेल्फ गिवन टाइटल रखते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि यहाँ हर एक का बाप पहले से ही पैदा होता है, यू नो. तो दैट इज व्हाट हैपेंड. ABP News, आपको रखे आगे.